हेलो जी, वेलकम बैक। तो जी, वीकेंड आ गया है, हफ्ता हो गया है माता जी को डॉक्टर पास ले जाए हुए। अब मेरी बारी है। जब ये लोग गए थे उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करा ली थी आज के लिए। और जैसे पिछली बार आपको बताया था वीडियो में कि फैमिली डॉक्टर लेना पड़ता है, मेरा अभी तक कोई फैमिली डॉक्टर है नहीं, तो जो चेरी का जो फैमिली डॉक्टर था उसी के पास जा रहा हूँ मैं आज। और होपफुली वो मुझे साइन अप कर लेगा अपने उसमें लिस्ट में। और जाता हूँ उनसे पूछता हूँ कि भाई मम्मी की रिपोर्ट्स का क्या हुआ, तो वो भी देखता हूँ, लेके आता हूँ रिपोर्ट्स। डॉक्टर चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी। मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने मेरा हेल्थ कार्ड रख लिया अपने पास। वो कह रहे हैं कि आप, पहले उन्होंने बोला कि आप गाड़ी में वेट करो, आपको कॉल बैक करेंगे। मैंने आधा पौना घंटा गाड़ी में वेट किया, कोई कॉल बैक नहीं आया। फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया, मैंने कहा यार प्लीज़ कुछ बताओ क्या सीन है। तो कहते हैं अभी तो डॉक्टर बहुत लेट चल रहा है, आई मीन उस पर अपॉइंटमेंट्स बहुत सारी हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं उसके पास अभी। तो ये लोग कहते हैं कि आप घर जाओ, घंटे बाद हमें दोबारा कॉल करना, फिर सिचुएशन हम बताएंगे क्या सिचुएशन है, फिर उस हिसाब से फिर आप यहाँ पे आ जाना वापस लाइन में लगने के लिए। तो मैं चला हूँ वापस घर। वो जी आए घर वापस। अब घंटे बाद फिर देखेंगे ट्राई करके फोन की, भाई नंबर आया नहीं आया। घर आया, मैडम जी कुछ बना रही हैं। कि जब हम मॉन्ट्रियल रहते थे तब ये रेसिपी सीखी थी हमने किसी रेस्टोरेंट वगैरह में देख के, बट अब बहुत टाइम हो गया बनाई नहीं, सो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कैसे बनती है। पर आपको याद क्या क्या है, थोड़ा बहुत बताइए। थोड़ा बहुत इसमें स्पिनिच है, फेटा चीज डलेगा, अंडा डलेगा, बाकी याद आएगा जैसे वो बताती हूँ। बाकी स्वाद अनुसार है। और साथ में ही यहाँ पे हमने चढ़ा दी है चाय, खूब सारा अदरक डाल के। सारा चीज निकल निकल के। स्मेल्स नाइस, लुक्स नाइस। मम्मी पुत्र नाल गल चल रही है, पुत्र नाल लाजवाब। धन्यवाद जी, धन्यवाद, मजा आ गया। भाई तो जी मेरा नंबर आ गया है, ये दरवाजे पर टंगा हुआ है मेरा हेल्थ कार्ड। तो जी बेसिकली ये है एक एग्जामिनेशन रूम, जब भी कोई पेशेंट आता है उसको यहाँ पे ऐसे लेके आते होते हैं। सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ये डॉक्टर का अपना स्टेशन है, यहाँ पे सारी डिटेल वटेल भरता है, बेसिक सामान डॉक्टर का। बस अब इंतज़ार है डॉक्टर का, डॉक्टर आएगा फिर वो एग्जामिन करेगा, फिर टेस्ट लिख के देगा, फिर पूछते हैं उससे कि मम्मी की रिपोर्ट्स का क्या हुआ। तो जी पहुँचे कल और यहाँ कैसे बैठी जनता फावरी हो रही, फावरी कैसी फावरी हो रही आपकी? चेंज चाहिए थी। जूते कटो। वैसे क्या तैयारी, क्या आप? बस घूमी घूमी करन चल रहे हैं बाहर, इसका मूड है बाहर घूमने का। या की अंदर डॉक्टर डॉक्टर ने देख के फिर बोला कि भैया पहली बार यहाँ पे आया? मैं कहा नहीं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। फिर उसने बोला कि उसने पूरी हिस्ट्री ली मेरी कि भाई घर में क्या क्या, कोई फैमिली में कोई
कोई हिस्टोरिकली कोई बीमारी मुमोरियाँ हैं, मैं कहा भाई डायबिटीज़ है, माता को भी है पापा को भी था, और बहुत चीज़ें पूछी उसने कि कहते हैं कि पहले कभी कोई सर्जरी वर्जरी हुई है, कोई एलर्जीज है या कोई मेडिकेशन चल रही है, वो सब पूछा। हाइट वेट अब कुछ नहीं नापा, बस बीपी लिया उसने और कुछ नहीं किया। अच्छा, आई टेस्ट भी नहीं कराया उसने, तो उसने बस सारे ये लिख के दे दिए दुनिया भर के सारे टेस्ट कि ये सारे कराओ, इसके बाद फिर जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर वो आगे देखेगा, फिर वो बताएगा कि रिजल्ट्स के बेसिस पे कि और कुछ मेडिकेशन की जरूरत है या नहीं है या सब कुछ ठीक है या कुछ दिक्कत है। अच्छा, बाकी मेरे रिजल्ट या वही बता रहा हूँ तो माता के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है, फिर जब रिजल्ट आएंगे तब डॉक्टर फिर फोन करेगा, मेरी डॉक्टर की असिस्टेंट फोन करेगी। वो यार इसके रिजल्ट्स तो आ गए चली गए। अच्छा। वो ये कह रहा था कि जो जैसे विजिटर्स वगैरह लोग होते हैं तो उनके थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, जल्दी रिजल्ट देते नहीं है। वैसे एक बात बताओ, तुम लोग तैयार हो क्यों बैठे हो? हम लोग का उसका घूमने जाने का मूड है, ले जाए इसे घुमा ला गई। वो कह रही है स्टोर खोले हैं, कुछ घर की एक दो चीजें देखनी है। डोंट टेल मी वांट टू गो टू नॉनसेंस। देखा जाके नॉनसेंस नहीं, इट्स नॉट नॉनसेंस, इट्स नॉनसेंस। चलो मम्मी फालतू का सामान, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। नहीं नहीं था, हाँ बस घर का सामान और दोनों लेडीज ने उछलना शुरू जाती है, घर का सामान लाना, घर का सामान लाना, घर सजाने के लिए। और क्या, अभी तो यार खाली अच्छा लगता है यार, फिर सामान भर के रख दो अंदर घर के। अभी तो पूरा सेट नहीं हुआ घर, बता 1.5 साल हो गया। कोई नहीं मम्मी, कोई नहीं, टाइम लगता होता है, ऐसा थोड़ी है। कितना टाइम लगेगा? और कोई नहीं, अभी लगेगा, लॉकडाउन ने टाइम लगवा दिया। या चल जा, होया ले जा, क्या ले जाऊं, इसे घुमा ला। चलो चलो आप भी चलो, अकेले नहीं जा रही हो? हाँ। आप साथ चलो। हाँ। दोनों लेडीज का ना, मैं मेरे भरोसे मत रहना कि मैं कुछ कराऊंगा। चलो 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 मम्मी, मैं तो बस लेके जाऊंगा। चलो, मैं तो ड्राइवर बंदा हूँ भाई। हाँ। शॉपिंग लेडीज लोगों ने करनी है। चलो मम्मी उठो। हाँ ठीक है, चल पड़ती हूँ, पर मैं कपड़े नहीं, कपड़े कपड़े क्या, कोई बचने की जरूरत नहीं, ऐसे चलो पहनो, ऊपर जैकेट चार डालो और चलो 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 भाई। आ चुके हैं होमसेंस, उठा ली है मैंने कार्ट, अब ढूंढने लेडीज कहाँ पे हैं, क्या देख रही हैं। हियर इज वन लेडी, फर्स्ट लेडी, सेकंड लेडी कहाँ है, वो रही सेकंड लेडी। हाँ जी, कुछ दिखा आपको काम का? वेट करो जब तक एंटर कीते हैं। चलो शुरू हो जाओ, दिखाना शुरू करो। अब क्या क्या लाए हो? हम कुछ ज्यादा नहीं लेके आए, जब भी जनानी है। हाँ। कुछ अभी ना स्टोर्स में सामान आया नहीं हुआ था ज्यादा। हाँ। अभी 2 दिन ही हुए हैं खुले हुए, तो इसलिए जो था हम लूट लाए। हमने सोचा थोड़ा सा अपने बाथरूम का डेकोर चेंज करें। हाँ। तो ये लेके आए हम लोग, ये क्या बोलते हैं इसका, पिचकारी है ये, होली आने वाली, साबुनदानी है यार, साबुनदानी है, होली आने वाली है। ये आया, ये है $13 का, ठीक है ये चेंज करना है। नकली पौधा है। अब इसका रेट भी बताऊं? बता दो, अब एक चीज का बता दो, सभी बता दो। जी है $25। 25? हाँ जी 25 का है। हाँ, ये तो महंगा नहीं पड़ा। नहीं महंगा नहीं पड़ा। बाकी क्या लिया था मम्मी हमने? ये तो कुछ, ये तो टॉवल्स वगैरह है, ये कुछ पिलो कवर्स है, और कुछ हमने देखा तो बहुत कुछ लिया। हाँ, देखा बहुत कुछ था हमने। घूम तो ऐसे था यार, पूरी दुकान खरीद के लेके आओगे। आगे के लिए देख ली ना चीजें। ये क्या है? देखो, दिखाओ, उठाओ ठीक से, पकड़ो हाथ में। ओके, ये बाथरूम में लगे। और ये कितने की है? ये है, इसका प्राइस है $60 था, बट हमें मिली $35 की। ठीक है, तो कहने ही बातें होती हैं, नकली रेट लगाते हैं। कोई नकली रेट नहीं लगा, ठीक है। इट्स नाइस, या लुक्स नाइस,
अच्छी लगी। चलो जी ठीक है फिर, अब क्या कहते हैं, लाओ फिर सामान, इसको लगाना है। ओके। मैडम। हाँ जी। हाँ आओ सामान ले आया मैं सारा सामान। सामान तो ठीक है। टिशू किता नहीं मैं, टिशू। सामान तो ठीक है। हाँ। पर इसमें एक लोचा है। क्यों है? यहाँ टॉप पे एक वो नहीं है सिंगल कुछ हैंग करने के लिए, यहाँ साइड में दो हैं, पर साइडों में करने के लिए दो जगह ड्रिल करना पड़ेगा। बट आई वाज प्रेफरिंग कि एक सिंगल जगह ड्रिल करते उसको वहाँ पे, फिर वहाँ ऊपर से टॉप से टांगते। बट अब ये चक्कर है, अब इसके लिए या तो हमें यहाँ पे एक तार चाहिए या कोई रस्सी चाहिए इस पर लगाने के लिए। तो अब ये वाला काम होगा। रस्सी तो नहीं चलेगी इस पे, रस्सी नहीं, तार हो, नाड़ा ले लो। हां मेरे दिमाग से आ गया कि ना बोला, फिर मैं कहा नहीं सही नहीं लगता। मैं तो बताना थोड़ी है कि हमने नाड़े से टांगा है। हाँ जी माता जी, कहाँ अच्छी लगेगी? यहाँ पे लग तो सुंदर रही है, यही लगनी चाहिए, यही वाली दीवार पे या फिर यहाँ पर इस साइड। नहीं यहाँ मजा नहीं आएगा। नहीं नहीं वही ठीक लगेगी, नहीं वही ज्यादा अच्छी लग रही है। यस यही ठीक है। ला दे मैं तो, तू तार ला दे मैं ये ला दूंगा। चलो जी मिलने हैं कल, बाय 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 बाय।